कोरोना वॉरियर्स पर हमला और पथराव, कई घायल। कोरोना पॉजिटिव के परिजनों को लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला करते हुए कई गाड़ियों को तोड़ दिया और टीम के लोगों के साथ जबरदस्त मारपीट करते हुए उन्हें घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दो दिन पूर्व हुई कोरोना पॉजिटिव की मौत को देखते हुए आज मुरादाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके परिजनों की जाँच करने के लिए थाना नागफनी क्षेत्र के नवाबपुरा इलाके में पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेरते हुए उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में टीम के कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए और इस हमले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कई गाड़ियां भी तोड़ दी। हंगामे और पथराव की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और हमलावरों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी। इस घटना पर जानकारी देते हुए SSP अमित पाठक ने बताया कि हमलावरों की पहचान की जा रही है। ये थाना नागफनी क्षेत्र मुरादाबाद का, यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसके संबंध में उनके फर्स्ट लेयर कॉन्टैक्ट फैमिली के सदस्यों आदि की क्वारंटाइन और आइसोलेशन की प्रक्रिया प्रचलित थी। तो उसके संदर्भ में मेडिकल टीम और पुलिस टीम यहाँ पर आई थी। तो जब परिवार वाले इस सब में अपने बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान सडनली, ये काफ़ी घना इलाका है, डेंस गलियों में से 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। और यहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे क्वारंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खुराफात करी है उनकी शिनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। कुछ गिरफ्तारी हुई अभी? गिरफ्तारी की स्थिति अभी, चूंकि आप, हम मौके पर ही खड़े हैं, अभी हमारी टीमें लगातार लगी हुई है, वो थोड़ी देर बाद हम आपको बता देंगे। इस पथराव में कोई पुलिसकर्मी या अन्य कर्मी घायल? इसमें जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनमें स्वास्थ्यकर्मियों की चोटें आई हैं और उनको अस्पताल प्राइमरी इलाज के लिए भेजा गया है, जैसा यहाँ पर एडिशनल CMO मौजूद है, उन्होंने बताया है। और ये थाना नागफनी क्षेत्र पड़ता है मुरादाबाद। सर किस मुकदमे के तहत कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें जो भी सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है, वर्तमान में धारा 144 का उल्लंघन किया गया है, महामारी एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है। इस प्रकार का व्यवहार, इस तरीके का, जिसमें स्वास्थ्य व पुलिस एजेंसीज ऐसे कार्य में लगी हैं जिससे इस महामारी का प्रसार रोका जा सके, ऐसे में उनके कार्य में बाधा डालना बहुत ही गंभीर श्रेणी का अपराध है। उसी सुसंगत धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपील करना चाहेंगे सर, हमारी अपील।